राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल कर कुल्लू पहुंची एकता का उपनिदेशक कार्यालय में फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। जिला कुल्लू की छात्रा एकता ने 17 से 22 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित की गई राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाया है। जिला कुल्लू से राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए चयनित एकता ने राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक हासिल कर जिला कुल्लू का नाम रोशन किया है। पदक जीतकर कुल्लू लौटी एकता का उपनिदेशक कार्यालय में फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर एकता के पिता प्रमोद कुमार और माता वीना कुमारी को भी शिक्षा विभाग ने बधाई दी। जिला कुल्लू की छात्रा एकता ने 17 से 22 नवंबर को दिल्ली में आयोजित की गई राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाया है। जिला कुल्लू क्रीड़ा संघ के प्रभारी प्रेमचंद ने बताया कि जिला कुल्लू की छात्रा एकता ने दिल्ली में आयोजित हुई राष्ट्रीय स्तर की मुक्केबाजी में हरियाणा को हराकर रजत पदक हासिल किया। उन्होंने जिला कुल्लू क्रीड़ा संघ की ओर से छात्रा को बधाई दी और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला क्रीड़ा संघ जल्द ही खेल मंत्री से मिलकर सरकार को इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग करेगी, जिससे यहां के युवाओं को उसका फायदा मिल सके। जिला कुल्लू की छात्रा एकता, जिसने राष्ट्रीय स्तरीय मुक्केबाजी में जो दिल्ली में आयोजित की गई 17 से 22 नवंबर के बीच में आयोजित की गई थी, उसमें हरियाणा के मुक्केबाज को हरा कर इसने रजत पदक हासिल की है। इसके लिए मैं जिला कुल्लू शारीरिक शिक्षा DSSA की ओर से इनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भी खिलाड़ी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए इनका अनुसरण करते हुए आगे पदक ले। रजत पदक विजेता एकता ने जिला क्रीड़ा संघ की ओर से किए गए उनके भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार जताया। एकता ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने रजत पदक के सफरनामे का जिक्र करते हुए कहा कि उनका पहला मैच तमिलनाडु के साथ हुआ, दूसरा सिक्किम के साथ और तीसरा हरियाणा के साथ हुआ। चौथा मैच पंजाब के साथ हुआ, जिसमें उसका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन वो स्वर्ण पदक से चूक गई और कांस्य पदक हासिल किया। छात्रा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, स्कूल प्रबंधन और कोच को दिया। एकता ने कहा कि जिला कुल्लू में इंडोर स्टेडियम नहीं है, जिस कारण खिलाड़ियों को अभ्यास करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जिला कुल्लू में एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाए ताकि युवा खिलाड़ी अच्छे से अभ्यास कर सकें। राज्य स्तर प्रतियोगिता बिलासपुर में हुई, वहाँ पे मेरा प्रथम स्थान रहा अंडर 17 में, और फिर हमारे राष्ट्रीय स्तर के कैंप लगाए गए, वो सोलन अर्की में लगाए गए गर्ल्स स्कूल में। फिर वहाँ से हम रवाना हुए दिल्ली के लिए और वहाँ पे 17 से 22 तारीख तक मैच रहे। वहाँ पे मेरे 3 मैचेस हुए, फर्स्ट तमिलनाडु के साथ जो मैं जीत गई, और दूसरा फिर सिक्किम के साथ, और तीसरा हरियाणा के साथ, और चौथा फिर पंजाब के साथ, जिसमें मैं उतना ठीक तो खेली पर मेडल सिल्वर गोल्ड तक नहीं पहुँच पाई और मैं ब्रॉन्ज तक ही रही। इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं खेलने के लिए। फिर मैं अपने कोच सर को और फिर अपने प्रिंसिपल सर पुरनचंद सर को, स्नोर वैली स्कूल के हमारे प्रिंसिपल सर पुरनचंद सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।